हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब के नया रोल आउट फीचर्स के बारे में, जो कि बहुत ही रेयरली पता होगा, मतलब अभी जस्ट आया हुआ है। तो उसका फीचर क्या है? तो सबसे पहले इसमें एंड्रॉयड और जो हमारा जो कंप्यूटर के लिए जो होता है, मतलब वेब सर्विस एप्लीकेशंस वगैरह, मतलब क्रोम, जो ब्रेव ब्राउज़र, मोज़िला फायरफॉक्स, इन सभी के लिए अवेलेबल है और यूट्यूब एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है। यहाँ आपको फीचर मिल जाता है आपको, यानी जो ट्रांसलेशन का, मतलब 100 से 100 तक भाषा, यानी जो लैंग्वेजेस है वो सपोर्टेड है। मतलब इसमें फ्रेंच, पोर्टुगीज और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जो कि मुझे नहीं आते, वो सारे सपोर्टेड है भाई साहब। तो इसमें होता क्या है आपके, यानी सिंपल आपको मैं एक डेमो दिखा देता हूँ, वो आप डेमो देख लो आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो ये थोड़ा डेमो है, ये देखो भाई। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जो जियोफोन नेक्स्ट है, उसका यानी डेट बढ़ चुका है। जो रिलीजिंग डेट था वो काफ़ी बढ़ चुका है, मतलब दिवाली के आसपास ही आई थिंक रिलीज़ होगा। तो ये नेक्स्ट मंथ, मतलब अक्टूबर में रिलीज़ होना था, बट इसका डेट आगे बढ़ा के नवंबर के आगे पीछे हो गया, क्योंकि चिपसेट की आपको पता है बहुत, यानी इधर जो माइनिंग हो रही थी बिटकॉइन की, उसमें बहुत सारे जो चिपसेट्स वगैरह थे, तो इसमें शॉर्टेज हो चुकी है चिपसेट्स की, जिसके प्रोसेसर्स वगैरह काफ़ी एकदम महंगे हो गए हैं, या फिर मतलब इसके कारण जो हमारा जियो है, जो गूगल के साथ टाई अप करके बना रहा था, तो उसको काफ़ी महंगा पड़ रहा है। वो इस प्रकार कुछ न्यू रिसोर्स ढूंढ रहे जो कि सस्ते में बन जाए। तो ये था जियो नेक्स्ट के बारे में। चलो अपने चलते अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। Xiaomi का नया स्मार्ट ग्लास आ चुका है, जो कि फेसबुक का नया आया हुआ जो स्मार्ट ग्लास था लॉन्च हो रहा था, उसको टक्कर दे रहा है काफ़ी, क्योंकि इसमें ARM का सॉफ्टवेयर का मदद से, मतलब जो है एंड्रॉयड भी काफ़ी एकदम, मतलब नेविगेशन वगैरह सारा कुछ ऐप लेवल हो चुका है, इसमें काफ़ी कुछ अवेलेबल है नेविगेशन वगैरह, और ये काफ़ी स्टाइलिश फीचर के साथ आता है, और काफ़ी स्टाइलिश भैया इसमें नेविगेशन वगैरह और मैसेजेस वगैरह, और साथ में आपके इसमें बहुत सारे मतलब कॉन्टैक्ट वगैरह आप लेंस पे ही देख लोगे। इसमें ऑलरेडी जो था उससे अच्छा डाला गया है, इसमें मैक्रो इंजीनियरिंग विजन, मतलब ऐसे ही कुछ है, तो वो डाला गया है इसमें फीचर, ठीक है। तो ये काफ़ी हद तक बेटर है भाई साहब। तो इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, इसमें क्या फीचर्स आने वाले हैं और नए। और इसमें 5 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिल जाता है, जो कि आपको मतलब रिकॉर्ड वगैरह करने के लिए हेल्प मिल जाएगा। एक सैमसंग का अपडेट बता देता हूं, वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो चलिए, ये है अपडेट, मतलब इसमें आपको नए अपडेट के कारण जितने भी M सीरीज के फ़ोन थे उसमें एक नया फीचर आया है, मतलब बैड टाइम का फीचर है। इसमें ऑन करने के साथ ही मतलब ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा भाइयों, रात में यूज़ करने के लिए काफ़ी बेटर है। और जिसका फ़ोन अपडेट नहीं किया वो कर लो भाई, एकदम मस्त है भाई, मेरा भी अपडेट हो चुका है और काफ़ी मस्त चल रहा है, तो अपडेट कर लेना। एप्पल का 13 जो लॉन्च हुआ है, दो वेरिएंट में, 1 TB का सबसे महंगा है भैया, 1,60,000 रुपये का, अपने किडनी पिछवाड़ा सब देने के लिए तैयार हो जाना। तो भैया अपनी जो भी है, तो ये लास्ट ऑप्शन भी जरूर रहेगा आई थिंक, मेरे को लगता है पिछवाड़े का। तो पैसे देने नहीं पड़ेंगे भाई साहब। तो ये था आज का लास्ट वीडियो, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस टाइप की मैं टिप्स और ट्रिक्स जो भी मतलब न्यूज़ में लाऊंगा, ठीक है। तो आज के बाद से टिप्स और ट्रिक्स भी आएंगे और साथ में न्यूज़ भी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना था, जय हिंद।